हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से केमी क्लासेस में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्लासेस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है और इसमें हम लोग मोस्टली जो जेई नीट जैम गेट और सीएसआईआर नेट जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके सॉल्यूशंस को मैं इसमें बताती हूँ वीडियो के माध्यम से। कई सारे वीडियो मेरे अवेलेबल हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। काइनेटिक्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी इन एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे के एग्जाम्स में आने की जिनकी संभावनाएं होती हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ इस चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मोल्स एंड स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन। जो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ज्यादा वीडियो लेंदी ना हो मैं कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसेस मिक्सचर इज 1/4। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मासेस मतलब वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो कितना बोल रहा है, 1/4। मतलब ऑक्सीजन का वेट 1 ग्राम और नाइट्रोजन का वेट 4 ग्राम, इसका यही कहने का मतलब है। ठीक है, मिक्सचर इज 1/4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज, तो इनके मॉलिक्यूल के नंबर का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो कितना आएगा। तो मास का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल का रेशियो पूछा है। तो मोल बराबर होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल एन से डिनोट करते हैं, बराबर डब्ल्यू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हिंदी मीडियम वाले के लिए बता दूं भार बटा अणु भार। ऊपर भार लेंगे, नीचे अणु भार लेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, वेट डब्ल्यू यानी कि भार दिया हुआ है। मासेस का मतलब ही वही द्रव्यमान ना, भार, और ये भी भार। तो भार दिया हुआ है और नंबर पूछा है, मोल पूछा है। तो ये पूछा है एन बराबर पूछा है और भार दिया हुआ है। और अणु भार तो हम लोगों को पता ही होता है, अणु भार को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से ना। तो कैपिटल एम से अणुभार को डिनोट करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो एम ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, और एम यानी कि नाइट्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अणुभार कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन ओ टू, एक ऑक्सीजन का भार 16, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 16 + 16 = 32। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का भार 14, परमाणु द्रव्यमान जानते हो ना नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का 14 × 28, 14 + 14 = 28 आ गया। ठीक है, तो अब मोल का फॉर्मूला क्या है, भार बटा अणुभार, भार को किससे डिनोट करते हैं, W से, W, और अणुभार को M से, तो W अपॉन M मोल बराबर है। ठीक है, तो यहां पे पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, किसका किसका रेशियो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन का मोल बटे नाइट्रोजन का मोल, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2 का मोल बटे N2 का मोल, इसी से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, W बटे M। तो ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार बटे ऑक्सीजन का अणु भार डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मोल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का भार बटे नाइट्रोजन का अणु भार। ठीक है, डब्ल्यू ओ टू लिखी हूं मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार, एम ओ टू लिखी हूं मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणु भार, डब्ल्यू एन टू लिखी हूं मतलब नाइट्रोजन का भार, वेट ऑफ एन टू, और एम एन टू लिखी हूं मतलब नाइट्रोजन का अणु भार, मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर डब्ल्यू ओ टू, ये दोनों ऊपर है तो ये तो ऊपर ही रहेगा, डब्ल्यू ओ टू डिवाइडेड बाई ये डब्ल्यू एन टू, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है भाई यहां पे दिया हुआ, ये कैसे लिखा हुआ है, O2 टू डिवाइडेड बाई एम ओ टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एन टू डिवाइडेड बाई एम एन टू, ये ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना,
वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर ये पूरे का, ये पूरे डिवाइडेड बाई वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और नीचे ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा समझ में आया होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 4, मतलब WO2 अपॉन WN2 का वैल्यू है 1/4, तो इसकी जगह पे पूरे की जगह पे मैं क्या रख दी 1/4 इंटू MN2 और MO2, तो MN2 का वैल्यू कितना है 28 और MO2 का वैल्यू कितना है 32, मास ऑफ नाइट्रोजन 28, मास ऑफ ऑक्सीजन 32, तो ये हो गया मास ऑफ नाइट्रोजन बराबर बटे मास ऑफ ऑक्सीजन 28/32, तो 28/32 यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू। 4 7 28 क्या आया 7/32, तो नंबर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 7/32, ऑप्शन में है 7/32 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ है विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल में ऑक्सीजन का 0.25 मोल होगा, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 0.25 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0.02, 3.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसके कितने मोल में इतना ऑक्सीजन होगा ये क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले इसका एक मोल ले लेते हैं। तो एक मोल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 1 मोल Mg3PO4 होल ट्वाइस, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे एक मोल में, 3 मैग्नीशियम है, 3 मोल मैग्नीशियम है, क्या क्या है पूरे चीज को चेक कर लेते हैं, और क्या क्या है फॉस्फोरस 2 मोल है, तो 2 मोल फॉस्फोरस है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 4 2 8, तो 8 मोल ऑक्सीजन है। एटम के फॉर्म में पूछा है ना, इसलिए एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख देती हूँ मैं इसे, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 मोल जब मैग्नीशियम फॉस्फेट ले रहे हैं तो उसमें 8 मोल ऑक्सीजन है, हम लोगों को क्या चाहिए 0.25 मोल, यहाँ पे 0.25 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना मैग्नीशियम फॉस्फेट होगा ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, मैग्नीशियम फॉस्फेट कितना मोल लेंगे तो 0.25 मोल ऑक्सीजन आएगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि 8 मोल ऑक्सीजन 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के पास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज कंटेंड बाय 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। 8 मोल ऑक्सीजन किसके द्वारा लिया गया है, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट के द्वारा, तो निकालना कितना है, सो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंटेंट बाय क्या हो जाएगा, 0.25 मोल ऑक्सीजन कितने के द्वारा कंटेन किया जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.25 इंटू 1, इसका इससे गुणा और इधर वाला क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, 0.25 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां से एकदम सॉल्व अच्छे से अगर सॉल्व करना चाहो समझ करके, तो यहां से पॉइंट हटाओ क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 अपॉन 800। ठीक है, इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 1 जा 25 3 जा 25 2 जा 1/32, इसको डिवाइड करेंगे 32 से 1 को, तो ये हो जाएगा 0.0, ये 100 हो जाएगा, तो 32 3 जा 32 3
इसको डिवाइड करेंगे 32 से, 32 वंजा तो ये 1 है, तो 0.0 लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे 100, 100 को 32 से डिवाइड करेंगे 3125, वैल्यू क्या आएगा 0.3125। अब 0.3125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 3 पॉइंट करके लिखना है तो 3.125 इंटू पॉइंट को हम लोग इधर ले आए, सॉरी 0.03 था ना, 0.03 था, तो पॉइंट को हम लोग यहां 3 के बाद ले आए, दो डिजिट के बाद ले आए। जब दो डिजिट के बाद पॉइंट को ले आते हैं तो 10 के पावर में क्या लगता है, -2, माइनस में लगता है ना। जब भी पॉइंट इधर जाता है तो पावर माइनस में इंक्रीज होता है, और अगर पॉइंट इधर जाता है तो पावर प्लस में इंक्रीज होता है। तो पॉइंट इधर जा रहा है तो पावर में माइनस बढ़ेगा, कितना इधर गया, दो, एक जीरो के बाद, थ्री के बाद, दो डिजिट इधर खसक गया है पॉइंट, यहाँ थ्री के बाद में लगा दी ना, तो वैल्यू क्या आएगा -2। तो आंसर क्या आया हमारा 3.125 इंटू 10 टू द पावर -2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, रिक्वायर्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद 852 ग्राम ऑफ P4O10। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। 2005 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है ना, सब्जेक्टिव टाइप में पूछा था, डायरेक्ट आंसर जो लिखना है मल्टीपल, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, तो एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलो मैं बैलेंस रिएक्शन लिखती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 3 कैल्शियम है और 2 फॉस्फोरस है, इसका मैं 2 मोल ले लेती हूँ तो 3 × 2 = 6। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 6 कैल्शियम यहाँ पे 2 × 2 = 4 फॉस्फोरस, करेक्ट है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, और यहाँ पे 10 + 6 = 16, करेक्ट है, बैलेंस है हमारा रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस है, इसमें क्या क्लियर है कि कैल्शियम ऑक्साइड का 6 मोल लग रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का 1 मोल लग रहा है, 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, और कितना, 2 मोल कैल्शियम फॉस्फेट बना रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कितना लेना है, 852 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, तो 852 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मोल निकाल लेते हैं, तो मोल्स, सॉरी, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड 852 ग्राम लेना है, तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कैसे डिनोट करेंगे, एन से मोल को, और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का निकाल रहे हैं तो मैं नीचे में P4O10 लिख देती हूँ। मोल बराबर क्या होता है, W/m। W कितना दिया हुआ है यहाँ पे, W का वैल्यू दिया हुआ है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के लिए 852 ग्राम, ठीक। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का, मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत सरल है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉस्फोरस के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 10 परमाणु हैं, तो एक फॉस्फोरस का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 31, तो 4 फॉस्फोरस और इसका द्रव्यमान कितना होता है एक फॉस्फोरस का 31 प्लस 10 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, जानते हो ना फॉस्फोरस का द्रव्यमान, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु द्रव्यमान 31, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान 16, तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस लिए इसलिए 4 से गुणा किया है मैंने, और 10 ऑक्सीजन लिए हैं इसलिए 10 से गुणा किया है मैंने 16 को, कितना आ जाएगा ये 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 प्लस 160 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 284, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 284, मॉलिक्यूलर मास आ गया 284 ग्राम पर मोल, तो ये 852 ग्राम और ये 284 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज इक्वल टू W का वैल्यू है 852 और M का वैल्यू है 284, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करके देखो कितने से आएगा, 3 बार में जाएगा 3, तो आंसर क्या हो गया, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज इक्वल टू 3 मोल, डिवाइड कर लेना 3 मोल आएगा आंसर, है ना। तो इस इक्वेशन में हम लोग 1 मोल लिए थे, 1 मोल से 6 मोल रिएक्ट कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड और 2 मोल बन रहा था, अब हम लोग इसी रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P4O10 विल गिव्स कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 3 मोल ले लेते हैं इसका, तो यहाँ पे 1 मोल लिए थे अब इसमें 3 मोल ले रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और ये हो जाएगा 3 × 2 =
सिक्स, क्योंकि इसको हम लोग एक से तीन गुना कर दिए तो ये भी तीन गुना हो जाएगा, ये भी तीन गुना हो जाएगा, तब तो रिएक्शन बैलेंस होगा ना। ये है बैलेंस्ड रिएक्शन, कि जब 852 ग्राम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ले रहे हैं तो रिएक्शन हमारा ऐसा हो गया। 852 ग्राम का मतलब होता है तीन मोल, तो यानी कि जब तीन मोल इसको हम लोग ले रहे हैं तो ये 18 मोल हो जाएगा और ये दो मोल हो जाएगा। अब ये हो गया 18 मोल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्सियम। अमाउंट ऑफ कैल्सियम मतलब वेट, वेट पूछा है, वेट ऑफ कैल्सियम WCA ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कितने मोल तो आ गया, कैल्सियम के मोल्स कितने आ गए, 18 मोल। वेट हम लोगों को निकालना है और कैल्सियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैल्सियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 56। कैल्सियम ऑक्साइड ना, अमाउंट ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड पूछा है, मैं बार बार कैल्सियम लिखी, इसको कैल्सियम ऑक्साइड कर देना, ठीक है। तो कैल्सियम ऑक्साइड का वेट कितना, मास कितना होता है 56। कैसे होगा, कैल्सियम एक है और एक ऑक्सीजन है, कैल्सियम का मास 40, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40, और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16, परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान 16, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 56। तो कैल्सियम ऑक्साइड का जो मास है या अणु भार है वो 56 आएगा, ठीक है। अब वेट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, एम का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एम। तो डब्ल्यू कैल्सियम ऑक्साइड का वेट निकालना है, वेट ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड कितना है 18 इंटू मास ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड कितना है 56। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 1008 ग्राम। कैलकुलेट करके देखना, 1008 ग्राम। तो आंसर कितना आया, 1008 ग्राम कैल्सियम ऑक्साइड लगेगा किसके लिए, 852 ग्राम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। तो बैलेंस रिएक्शन में 6 मोल कैल्सियम ऑक्साइड आ रहा है और 1 मोल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आ रहा है, जिससे 2 मोल कैल्सियम फॉस्फेट बन रहा है। तो 1 मोल 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था रिएक्शन में कि हम लोग फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कितना लेंगे, 852 ग्राम। अब 852 ग्राम लिख दिया तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि 852 ग्राम मतलब कितना मोल। तो हम लोग पता किए, 852 ग्राम मतलब 3 मोल, और यहाँ पे लिया कितना था, 1 मोल। तो हम लोग इसको क्या किए, 3 मोल में कन्वर्ट कर दिए। जब ये 3 मोल में कन्वर्ट हो गया तो ये 3 गुना हो गया, यानी कि 3 मोल में कन्वर्ट हुआ तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये 6 मोल था, ये 18 मोल हो गया। तो अब चूंकि 1 मोल से 6 मोल रिएक्ट कर रहा था, लेकिन 3 मोल से 18 मोल रिएक्ट करने लगा, तो अब 18 मोल मतलब कितना कैल्सियम ऑक्साइड, कितने ग्राम कैल्सियम ऑक्साइड, मोल में तो बता दिया 18 मोल, लेकिन ग्राम में बताओ। तो मोल से ग्राम में W बाई एम से फॉर्मूला से निकाल दिए, W बाई एम का फॉर्मूला लगा करके निकाल दिया, आंसर कितना आया, 1008 ग्राम कैल्सियम ऑक्साइड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बेसिक जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का, ये सब क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है सब्जेक्टिव में, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हर मंडे और हर थर्सडे एक वीडियो शाम 4 बजे आती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को दबाए रखें और मेरा चैनल भी चेक करते रहें।